एवरीवन, वेलकम बैक. दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी. आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ, जो लोग ओवरनाइट रीडिंग करते हैं या मोबाइल वॉचिंग करते हैं या फिर कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, उनके कारण उनकी आंखों में एक दबाव टाइप का आने लगता है. वो डिम लैम्प में बैठकर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आंखें रेड हो जाती हैं. तो एक मैं बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके साथ शेयर करूंगी. ये मेनली आइस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी गई है, जिसका नाम है रूटा. रूटा मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ. जिस किसी की भी आंखों में किसी भी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, मीन्स किसी भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से किसी से चोट लग जाती है या फिर उसको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन रहता है ऑक्यूलर मसल्स में, तो उसके लिए रूटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. या फिर आइस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आइस के अंदर के एरियाज में दर्द होगा, उसके साथ साथ आइस के सराउंडिंग एरियाज में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी जो विजन होती है वो ब्लर्ड हो जाती है, मीन्स उसे देखने में थोड़ा सा धुंधला टाइप से दिखता है. ठीक है, व्यक्ति को जो फाइन वर्क करते हैं, जैसे कि कुछ महिलाओं को नीटिंग करती हैं, तो उनको सुई वगैरह नीडल्स में देखने में प्रॉब्लम आती है, सिलाई कढ़ाई करने में प्रॉब्लम आती है, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लगता है, इस तरीके की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर रिफ्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, या डिम लाइट में आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते. ठीक है, उसमें आपको ब्लरिंग होती है. ठीक है, सिलाई कढ़ाई में तो आप नहीं कर पाते, उसके लिए भी ये रूटा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. या फिर आप लेट नाइट, ठीक है, लेट नाइट तक आप ओवर रीडिंग करते हैं तो उसके वजह से आपकी आंखें रेड होने लगती हैं, और आपको जो लैंप में रीडिंग करते हैं तो उसके वजह से लाइट थोड़ी डिम पड़ती है, आपकी आंखों में एक तरीके के थोड़ा सा फॉगीनेस सी, मिस्टीनेस सी फीलिंग होने लगती है, मीन्स आपकी आंखों के सामने थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है. और जिन लोगों को डिम विजन की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी ये रूटा बहुत अच्छे विजन भी उनका इम्प्रूव करती है. आंखें जो होती हैं उनमें डबल विजन होने लगता है, मीन्स किसी भी व्यक्ति या किसी चीज को अपन देख रहे हैं तो वो उसमें से ब्लरिंग टाइप से, मीन्स एक चीज की जगह आपको दो दो चीजें दिखने लगती हैं, इसको हम डिप्लोपिया कहते हैं. ठीक है, विजन, दो विजन दिखना. ठीक है, आंखों में पेशेंट के व्यक्ति की बहुत ज़्यादा जलन होती है, बर्निंग होती है आंखों में. ठीक है, उसके साथ साथ रेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन की फीलिंग होती है, ऐसा लगता है आंखों पे थोड़ा सा ऐसे करके आप उंगलियों को लगा लें जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा. आंखों में जलन तो बहुत ज़्यादा होती है, और जो आंखों की लोअर आईलिड होती है आपकी आंखों की, उसमें एक तरीके का स्पास्म टाइप का हो जाता है, ऐठन टाइप की होने लगती है, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है. तो ये सभी सिम्टम्स अगर आपकी आंखों में आते हैं तो आपको बस इतना करना है, आपको एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से रूटा की मदर टिंचर SPL की या किसी भी कंपनी की परचेज करनी है वहां से. ठीक है, उसके बाद आपको आधा कप पानी में, हल्का कुनकुना पानी में आपको डाल के उसमें 15-15 बूंद डालना है, और उसको धीरे धीरे चाय की तरह सिप लेना है. ठीक है, आपका 20 से 25 दिनों में आपकी, मैं श्योर कह सकती हूँ कि आपकी ये जो आंखों की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, और आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होने लगेगी, क्योंकि ये जो मेडिसिन है काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है, ये आंखों के लिए विशेष तौर यूज़ की जाती है. ठीक है, आपको ये दिन में 3 बार लेना है. ठीक है,
आधा कप पानी में 15-15 बूंद डालकर। ठीक है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है मुझसे कि ये मेडिसिन कहाँ मिलती है। तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है आपके होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलती है, आप वहां से ले लें, इजली आपको मिल जाएगी। नाम बता दें और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप ले लें। ठीक है, आई होप आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेकर मैं डॉक्टर निकिता सलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।